will start beta. Now exercise D, pick the correct words to complete these sentences. तो ये बेटा कुछ sentences है जिसको हमको क्या करना है, ऐसे टिक मार्क करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पहले से ही सेंटेंसेस क्या है बच्चों, दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत सारे हैं, तो कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे हमको क्या करना है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टिक मार्क करना है ऐसे करके, ओके। नाउ पहला जो है ऑलरेडी आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अभी कोई नहीं करेगा बेटा, मुल्ला अहबाज अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा तभी आप लोग को लिखना है, ऐसे देख के पहले से ही नहीं कर लेना है सभी लोगों को। नाउ सी क्वेश्चन नंबर वन, माय, ये दोनों ब्लैंक है बेटा, विथ रीना गोज बैक मेनी इयर्स, तो अब क्या होगा हमारा, माय फ्रेंड विथ रीना, तो फ्रेंड कभी भी नहीं आएगा, लेकिन क्या आ सकता है बेटा, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब हमारी दोस्ती क्या है, बहुत सालों से, विथ रीना गोज बैक मेनी इयर्स, तो बहुत सालों से क्या है, चल रही है, अंडरस्टूड बेटा। उन दोनों की फ्रेंडशिप जो है बेटा, रीना की और वो जो भी उसका नाम दिया यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो दोनों की फ्रेंडशिप बहुत सालों से चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्रेंडशिप को यहाँ पे टिक मार्क किया गया है, ओके। नाउ नंबर टू, इट टेक्स ब्लैंक टू लर्न पेंटिंग, तो पेशेंट हम किसको बोलते हैं बच्चों, हम लोग जो भी कभी भी देखते होंगे, आप लोग कभी ना कभी बेटा बच्चों डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, तो पेशेंट जो भी हम लोग बीमार होते हैं तो वो पेशेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या हुआ, सब्र, ठीक है, सब्र करते हैं ना हम लोग के, जैसे कि थोड़ी शांति रखो, अभी ये काम नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो इट टेक पेशेंस टू लर्न पेंटिंग, तो कोई भी चीज बेटा हमको सीखने में वक्त लगता है, लगता है कि नहीं बच्चों, हाँ, क्यों, जब भी हम लोग स्कूल में आते हैं, जब आप छोटे थे स्कूल में आए, जब स्कूल में आए तो क्या होगा, आप लोग को एबीसीडी वगैरह आती थी लिखना, नहीं आती थी, क्यों, क्योंकि आप लोग को था ही नहीं, तो आपने क्या किया, लर्न किया, लर्न करना मतलब सीखा, ठीक है, लर्न मीन सीखा, तो धीरे धीरे आज बेटा आप लोग क्या है, अच्छे से लिख पाते हो ना, तो उसके लिए मतलब धीरे धीरे हमको टाइम लगा, जैसे बेटा आप लोग जैसे जूनियर में सीनियर में आए तो तुरंत ही आप लोग को एबीसीडी लिखना नहीं आ गई, उसके लिए भी आपको एक मंथ, दो मंथ, थ्री मंथ पूरी एबीसीडी याद करना, पूरे अल्फाबेट याद करना, देन नंबर 1, 2, 3, तो उसके लिए क्या है, हमको थोड़ा बहुत धीरज रखना पड़ी, सब्र रखना पड़ा, तो हमेशा क्या आएगा, इट टेक्स पेशेंस टू लर्न पेंटिंग, तो पेंटिंग सीखने के लिए भी क्या है बेटा, हमको सब्र रखना पड़ेगा। कभी भी बेटा आप लोग को ड्राइंग वगैरह में होमवर्क आता है तो देखना, तो आप लोग क्या है, बहुत मरतबा हम लोग ड्राइंग क्या है, पेंसिल से करते हैं, क्यों पेंसिल से करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, गलती हो जाती है, तो गलतियां होती है तो उसको रफ करके हम सुधार सकते हैं, है कि नहीं, यस, तो इसीलिए वहां पे पेशेंस मतलब सब्र रखना पड़ेगा। नाउ नंबर 3, तो यहाँ पे पेशेंस के ऊपर बेटा फर्स्ट आप लोग ऐसा कर लो ऊपर की साइड में, ठीक है, इसको टिक मार्क कर लो। नाउ नंबर 3, द हाउस वॉज इन कंप्लीट ब्लैंक, तो डार्क और डार्कनेस दोनों में क्या फर्क है बेटा, डार्क मतलब क्या हुआ, अंधेरा हुआ, डार्कनेस मतलब भी अंधेरा हुआ, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है, डार्क मतलब सिर्फ अंधेरा होता है, डार्कनेस मतलब कब बोलेंगे, जब कोई चीज डार्कनेस में हो, है, ठीक है, ही द हाउस वॉज इन कंप्लीट डार्कनेस, तो जब कोई कंप्लीटली कोई भी चीज बेटा डार्कनेस में हो, जैसे कभी भी हमारे घर में देखो रात में अगर लाइट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा कि नहीं, यस, लाइट चली जाएगी तो अंधेरा होगा, तो वो टाइम हम लोग क्या है ये सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डार्कनेस आएगा, ओके। नाउ नंबर 4, यहाँ पे डार्कनेस बेटा टिक मार्क कर लो, ओके। नाउ नंबर 4, इट वॉज अ टू ब्लैंक टू मीट ऑल माई फ्रेंड, तो प्लीज मतलब क्या है, किसी से बेटा आजीजी करना, किसी को क्या है वहां पे रिक्वेस्ट करना, और प्लेजर मतलब क्या हुआ बेटा, वहां पे खुश होना, तो जब भी हम हमारे दोस्तों से मिलेंगे या आप आपके रिलेटिव के यहाँ पे जाओगे, जो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, भाई है, जो भी है, तो आप लोग क्या हो गए, उसको मिलकर क्या हो गए बच्चों, खुश होंगे कि नहीं, यस, तो वहां पे यही बताया गया, इट वॉज अ प्लेजर टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स, तो मुझे मेरे दोस्तों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही खुशी हुई, ओके। नाउ नंबर 5, तो यहाँ पे प्लेजर पे, उससे पहले प्लेजर पे बेटा टिक मार्क कर लो ऐसे। नाउ नंबर 5, वी मस्ट रिड्यूस द ब्लैंक ऑफ पेपर, तो यहाँ पे वेस्ट और वेस्टेज, ठीक है, वेस्ट करना मतलब क्या है, बर्बाद करना, वेस्टेज करना भी बर्बाद करना होता है, लेकिन यहाँ पे पेपर का वेस्टेज ही आएगा हमेशा, वेस्ट के अंदर जब भी आप लोग यूज करोगे तो डोंट वेस्ट वॉटर, ठीक है, तो वॉटर का वेस्ट मत करो, मतलब बर्बाद मत करो, लेकिन यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया है,
सो हम लोग क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे वही चीज आएगी। सो वी मस्ट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ पेपर, वेस्टेज के ऊपर क्या करो बच्चों, टिक मार्क कर लो ऐसे। नाउ नंबर सिक्स एंड द लास्ट वन, निहाल वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर लाइब्रेरी ब्लैंक। तो जब भी हम लोग बेटा कोई चीज की, जैसे मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप किसको बोलेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा मेंबरशिप। तो पहले मेंबरशिप पे आप लोग टिक मार्क कर लो। मेंबरशिप मतलब क्या है बच्चों, कि कोई भी चीज की हम लोग, कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे बोलते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग मेंबरशिप बोलेंगे। जैसे जिम वगैरह हो गया हमारा, ओके, या कोई भी चीज हो गई तो उसको हम लोग मेंबरशिप वगैरह बोली जाती है। तो पूरे ईयर का ही होता है। तो वहां पे निहाल ने क्या है, निहाल वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर लाइब्रेरी मेंबरशिप। तो निहाल को कौन सी चीज की मेंबरशिप चाहिए या उसको अप्लाई करना है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बेटा हमारा सिक्स सेंटेंसेस पूरे हो गए। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में क्या करो, ऐसे टिक मार्क कर लो, ओके। नाउ नंबर ई, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये जो बॉक्स दिया गया बेटा पूरा का पूरा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको क्या करना है, इसमें से चूज करके यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो, मैं आप लोग को समझा देता हूँ बेटा, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू दिस। नाउ क्रूएल्टी टू एनिमल्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्रूएल्टी मतलब क्या है, क्रूएल्टी मतलब क्या होगा बच्चों, कि जैसे किसी को मारना करना, ठीक है, किसी को बहुत ही परेशान करना। तो एनिमल्स को क्या है, हम लोग देखते हैं बच्चों कि कोई लोग होते हैं, हम लोग रोड पर से जा रहे हैं तो डॉग वगैरह खड़ा हुआ है, कोई कुत्ता खड़ा है, तो बेटा उसको पत्थर वगैरह मारते हैं, तो ये सब चीजें हमको नहीं करना चाहिए, ओके। सो एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ नंबर सेकंड, शी डिसाइडेड द पोएम फ्रॉम मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी आएगा, उसकी मेमोरी में पहले से क्या थी बच्चों, जैसे कि उसकी मेमोरी में पहले से ही मौजूद थी, एग्जिस्टेड थी, तो उसने कैसे की, रिसाइट कर दी, मतलब उसने वही पोएम, उसको याद थी अगर, तो उसने वही पोएम सुना दी, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को ये बोला जाए कि आप लोग कोई भी एक सॉन्ग सुनाओ, ठीक है, तो जो सॉन्ग आपको याद होगा, आपकी मेमोरी में होगा, वही सुनाओगे ना, ठीक है। तो वैसे उसने एक पोएम उसको याद थी, तो उसने क्या किया, उसकी मेमोरी से निकाल कर वही पोएम वहां पे सुना दी, ओके। नाउ नंबर थर्ड, द थ्रिल ऑफ राइडिंग अ रोलर कोस्टर कैन नॉट बी डिस्क्राइब। थ्रिल मतलब क्या है, मतलब कि क्या है वो होता है बेटा, कोई चीज की जिज्ञासा होना। जिज्ञासा मीन्स कि कोई चीज की उत्सुकता, कोई चीज की ख्वाहिश होना, ओके। क्यूरियोसिटी और थ्रिल मतलब कोई चीज की ख्वाहिश होना। तो वहां पे उसको रोलर कोस्टर आपने देखी होगी कि वो बेटा वो गोल राउंड वाली जो होता है ना, आप लोग कभी मेले वगैरह में गए हो तो रोलर कोस्टर राइड मतलब क्या, वो क्या है, राउंड वाली जो चकडोल होती है, जिसको हम हिंदी में क्या है बेटा, हम लोग जो भी मेला वगैरह लगता है तो बड़ी सी चकडोल होती है जिसमें वो घूमते हैं, ओके, बैठ के। तो उसको उसको थ्रिल मतलब उसकी, उसको राइड करना, उसके ऊपर बैठना बहुत ही अच्छी मतलब बात थी, लेकिन उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कितनी खुशी उसको वहां पर हुई, ओके। नाउ नंबर फोर, स्मिता ओपन द पैकेज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी मतलब कोई भी चीज की इच्छा होना, ख्वाहिश होना, ठीक है। स्मिता ने क्या किया, कोई पैकेज था, कोई चीज उसने नहीं मंगवाई थी या कोई चीज थी या उसको पता नहीं था, तो उसने क्या किया, क्यूरियोसिटी, उसकी ख्वाहिश थी कि वो खोल दे, तो उसने वो पैकेज क्या कर दिया, खोल दिया, ओके। नाउ नंबर फाइव, द टीम हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटी। तो टीम को पूरा का पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा होना, इन हर एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स के जो भी हम लोग देखते हैं बेटा के उसके अंदर कितनी महारत है, उसके अंदर कितनी टैलेंट है, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी, ओके। डोंट राइट नाउ बेटा, अभी मत लिखो, आई विल ऑल्सो सेंड यू द पिक ऑफ दिस, ओके। अगर आप लोग को अभी नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो समझ लो, ठीक है। इसके जो भी है बेटा ग्रुप में पिक आ जाएंगे, तो आप लोग वो पिक देखकर उसको कंप्लीट कर लेना है, ओके। तो अभी मत लिखो, अभी सिर्फ समझ लो, एक्सप्लेन जो भी हो रहा है वो समझ लो, ओके। नाउ नंबर सिक्स, आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट। तो अभी क्या है बेटा, क्वेंच होना मतलब क्या, उसको प्यास बुझाना है। प्यास कब बुझाएंगे, जब पानी होगा, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, उसको प्यास बुझाने के लिए बॉटल ऑफ वाटर, पानी की बॉटल चाहिए। क्वेंच मतलब बुझाना एंड थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास। तो उसको कौन सी बॉटल चाहिए बेटा, पानी की बॉटल चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते कि नहीं बच्चों, यस, सभी लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो जब थक जाते होंगे तो आप लोग को प्यास लगती है, तो प्यास लगती है तो उसको कैसे हम लोग करते हैं, क्वेंच करते हैं, मतलब उसको कैसे बुझाते हैं, पानी वगैरह पीकर, ओके। सो इस तरह ये सिक्स सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है, तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसका पिक भेज दूंगा,
ठीक है। सो आप लोग को ये अंडरलाइन जो भी वर्ड किए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कोई भी फीलिंग होना, हमने समझा था वीडियोस के अंदर भी कि कोई भी चीज की फीलिंग होना, कोई चीज को हम महसूस कर सकते हैं, ओके, जो चीजें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ओके, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है, तो मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसके मीनिंग समझा देता हूँ, ओके ना। हैज सॉरी टाइम, टाइम यहाँ पे बेटा एक कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है कि कौन से टाइम पे वो वहाँ पे गई है रीता, वहाँ पे ये जो रीता है बच्चों, कौन से टाइम पे वहाँ गई, लेकिन फर्स्ट टाइम गई वो पता है, लेकिन कौन से टाइम पे गई तो हम टाइम वो टाइम पे देख नहीं सकते थे या टच नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे टाइम पे अंडरलाइन आएगा। देन जॉय, जॉय मतलब खुशी, कोई इंसान कितना खुश है, ठीक है, उसका चेहरा देख के हमको लगता है कि इंसान खुश है या दुखी है, ओके लाइक दिस, लेकिन हमको वो नहीं पता चलता कि वो कितना खुश है, पता चलता है कि वो 10 लीटर खुश है, 20 लीटर खुश है, ऐसा होता है कभी? नो, या इतने परसेंट खुश है, ऐसा हम लोग नहीं देख सकते, ओके ना। रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि रिलीफ मतलब क्या है, किसी चीज से रिलीफ होना, रिलीव होना, ओके। सो ऑल्सो इट्स अ ग्रेट रिलीफ दैट द रेन हैव स्टॉप, बहुत ज्यादा रिलीफ मतलब क्या, रिलीफ मतलब छुटकारा, ठीक है, तो वहां पे रेन से छुटकारा मिला है, रेन मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी हम लोग देखते हैं ना हमारे यहाँ पे भी कि रोज 3-4 दिन सलंग बारिश गिरती है, तो हम लोग क्या होते हैं, फिर हमको एक तरीके से क्या हो जाता है बच्चों, हमको वहां पे परेशानी हो जाती है कि क्या है, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, रोज रोज बारिश हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमको परेशानी हो जाती है। तो अगर रेन स्टॉप हो जाएगा वो टाइम पे, तो हमको क्या होगा, उस चीज से छुटकारा मिला, इसीलिए वहां पे रिलीफ को लिया गया है, ठीक है। नाउ डेज,